देखो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। अगर एनडीए से एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस, तो इसे पूरे प्रोसेस से करना तो मतलब बेवकूफी है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा, बस इतनी सी बात ध्यान रखना। तो हम एक काम करते हैं, पहला पॉइंट सेटिस्फाई कराते हैं 1/1। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पे 2-2 कितना हो गया 0/2, तो ये पहला पॉइंट तो हो ही नहीं सकता, गलत हो गया। अब दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई कराते हैं 2/1, 6-2, 4/2, तो कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा, तो ये बराबर नहीं आ रहा, तो ये पॉइंट भी हट गया। अब देखते हैं ये वाला पॉइंट 2-6-3, 2/1, ठीक है, 6-2/2, तो 8/2 ये भी नहीं आ रहा, फोर्थ वाला रह गया। ठीक है, इसे ट्राई करते हैं 2/1, ठीक है, 6-2 कितना हो गया 4/2, बराबर आ रहा है, 3+3 6/3 ये भी बराबर आ रहा है, इसमें सेटिस्फाई हो गया। अब इसमें भी चेक करा के देख लो, क्योंकि देखो यहाँ तो हमारे पास कुछ ऐसा था कि तीनों पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, चौथा रह गया था, तो ये ऑप्शन हो गया था। लेकिन अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि इनमें से कोई एक पॉइंट सेटिस्फाई कर जाता तो हमें क्या करना, वो जो भी पॉइंट जिसको भी तुम आंसर लिखने वाले हो दोनों लाइन में सेटिस्फाई करेगा। अगर दोनों लाइन में सेटिस्फाई कर जाता तो ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइन्स। बस कॉन्सेप्ट इतना सा है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट कॉमन होगा, और जो कॉमन पॉइंट होगा वो दोनों लाइन पर लाई करेगा, बस इतनी सी बात।